मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए मोदी सरकार के 2023-24 के बजट पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि केंद्रीय बजट महिला सशक्तिकरण और देश के विकास को गति देगा प्रशस्त किया गया है। जिला भाजपा कार्यालय शहीद हरबंस लाल खंडा मेमोरियल में भाजपा के शहरी जिला अध्यक्ष हरविंदर सिंह संधू की अध्यक्षता में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि केंद्रीय बजट अगले 25 वर्षों तक भारत की प्रगति और भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे और विश्व गुरु की नींव रखेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, विरोधियों के नकारने के सिवा कुछ नहीं आता। सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि यह समावेशी बजट है और इसमें सभी वर्गों के सपनों का ख्याल रखा गया है। यह बजट गरीब मध्यम वर्ग और किसानों सहित समाज के आशावादी समाज की अपेक्षाओं को पूरा कर देश के सर्वांगीण विकास को और गति देने वाला है। इस बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने बच्चों और युवाओं के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की घोषणा की है, जिसे जिला स्तर तक विकसित किया जाएगा और इससे भविष्य में बच्चों और युवाओं को बहुत लाभ होगा। एकलव्य विद्यालयों में अगले 3 वर्षों में 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षक परीक्षण के लिए बेहतरीन संस्थान खोले जाएंगे। नारी शक्ति कैसे सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकती है, यह इस बजट में साफ दिखाई दे रहा है। इस बजट में मध्यम वर्ग की आय और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अब 7 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को टैक्स में छूट दी गई है। बजट अपना है विस्तार पूर्वक जानकारी देने वास्ते साडे दरमियान अज सैयद जफर इस्लाम जी जिहड़े कि साडे नैशनल स्पोर्ट्स पर्सन ने ते एक्स मैंबर पार्लियामेंट ने राज्यसभा तो वो साडे गुरु की नगरी अमृतसर विखे आए ने वो हुण तुहाडे नाल रूबरू होणगे जो बजट दे जिहड़े रिगार्डिंग तुहाडे नाल उहदे विस्तार तो जानकारी देणगे। सबसे पहले आप सभी लोगों का को नमस्कार और आप लोग मीडिया बंधु जितने भी आए सबका स्वागत है। आज इस प्रेस वार्ता में जैसा कि हमारे भाई ने कहा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि जो हर साल सरकार जो बजट पेश करती है वो 1 फरवरी को इस बार भी पेश हुआ है और उसकी थोड़ी जानकारी हम आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। वो हमारा मुख्य कारण है कि आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आज की चर्चा जो है मुख्यतः उसी पर रहेगी कि बजट में क्या बातें हुई हैं, बजट के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपके सामने आपके समक्ष रखेंगे। देखिए जैसा आप सभी लोग जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार और कई बार इस बात का उल्लेख किया है कि अमृत काल शुरू हो गया है। अमृत काल के लिए जो सबसे ज़्यादा हमारी जो चिंता है और कोशिश जो हमारे प्रधानमंत्री जी की है कि 2047 तक हमें विकसित देशों के सूची में आना है। विकसित देशों के सूची में आने के लिए आज से उसकी तैयारियाँ तो शुरू हो गई। अमृत काल का पहला बजट है और उस बजट का जो विजन था वो विजन सबसे पहला विजन यही था कि एक ऐसा समावेशी और जो जिसमें अर्थव्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्था वाली जो है हमारे सरकार और हमारा देश रहे, जिसमें नॉलेज का भरपूर योगदान हो देश को आगे बढ़ाने के लिए, स्किल्स का बहुत बड़ा, स्किल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस पूरे बजट में जो 4 चीज़ें जो बहुत प्रमुखता से जो देखी गई हैं, जिसके बारे में चर्चा की है, जो हमारी जिस अपॉर्चुनिटीज़ को आगे हमारी सरकार इस पूरे इसमें बजट के में जो पेश हुआ है उसके द्वारा आगे बढ़ाने चाहती है, वो है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, जो ग्रीन ग्रोथ जो है हरित जो है उसका विकास करना है उसकी फोकस है, युवाओं को जो है आगे बढ़ाना है उसके बारे में चिंता की गई है, और जो टूरिज्म के बारे में जो बहुत बड़ा फोकस है कि टूरिज्म जो है हमारे देश में आगे बढ़े। इस बजट पे भी उसका जिक्र है कि 50 ऐसी जगह, इसके डिटेल्स अभी आते रहेंगे, लेकिन टूरिज्म को बहुत बड़ा महत्व है और टूरिज्म के माध्यम से देश को आगे पहुंचाना है, ये जो है हमारी कोशिश है। लेकिन बजट का जो अगर आप पूरे बजट को अगर आप एनालाइज किए तो उसका जो मिशन है और उसका जो विजन है उसकी जो प्राथमिकता है वो सबसे ज़्यादा जो है
वंचितों को, किसानों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को, चाहे वो युवा हो, चाहे वो SC ST हो, सभी वर्गों के लिए को आगे बढ़ाने का, और खासकर दिव्यांग को, ऐसे गरीब अत्यंत गरीब जो लोग हैं, जो बहुत गरीब तबके से आते हैं, उनके लिए, पिछड़े लोगों के लिए, और जो है नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले या यूनियन टेरिटरीज में रहने वाले या फिर ऐसे पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, उन सब के बारे में इस पे चिंता की गई है। हमने कोशिश की है और इसमें प्रायोरिटीज भी जो है जो मुख्यतः जो कोशिश में इन सभी वर्गों को लेते हुए जो कोशिश जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है सरकार का कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होना चाहिए। कोई भी विकास जो है इंक्लूसिव होना चाहिए, ऐसा नहीं। अब देखिए, अगर आप पिछले दिनों में आप जाएँ तो आपको समझ में आएगा कि जैसे हमने इंक्लूसिव डेवलपमेंट जब बोलते हैं सभी लोगों का समावेशी विकास होना चाहिए, तो उससे दिखा है कि हमने जिनके पास जनधन अकाउंट नहीं थे उनके जनधन अकाउंट खुलवाए ताकि अनबैंक लोगों के को बैंकिंग के साथ जोड़ा जाए, मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उसी तरह से जिनके पास शौचालय नहीं थे, महिलाओं के मान सम्मान में हमने शौचालय दिए और घर घर तक शौचालय। जिनके पास पीने के पानी नहीं थे उनको हम पानी एक मिशन के तौर पे एक नई मिनिस्ट्री बनाई और नल से जल देने का काम जो किया है। उसी तरह अपने आप को मजबूत महसूस करें, सरकार उनकी चिंता करे, सरकार उनके हित में और उनको मुख्य धारा से जोड़े, ऐसी कोशिश हमारी रही है। और इसीलिए हमने कहा है कि हमारा समावेशी विकास होना चाहिए, ये जो है ऑब्जेक्टिव है। दूसरी बात जो है हमारी सरकार की, आप देखें तो जो भी हमने फैसले लिए हैं वो लास्ट माइल तक दे या ना दे, हम सब की चिंता करते हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जो कतार में आखिरी खड़ा हुआ आदमी है उसकी चिंता सरकार को करनी चाहिए, उसको उसके दामन थामे, उसको मजबूत बनाए। तो हमारे सरकार की नीति है और इस पूरे बजट में जो फोकस है वो ये है कि जितनी भी सब्जी है, जितने भी अनाउंसमेंट किए हैं, उसका लाभ जो है आखिरी आदमी तक जो है पहुंचना चाहिए, इसकी चिंता हमने करनी है। उसके लिए हमने बहुत सारे घर तक उनकी जो चिंता करने की जो कोशिश है, वैसे 500 ब्लॉक को आइडेंटिफाई करके उसमें एस्पिरेशनल जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको इस पूरे सरकारी पॉलिसी का जो लाभ मिले उसकी चिंता की जाएगी 500 ब्लॉक में। उसके बाद जो हमारी सबसे बड़ी कोशिश रही है कि अर्थव्यवस्था जो बहुत मजबूत होके जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसका और इन्वेस्टमेंट जो है, तो आप अगर देखिए पिछले 9 सालों में जब से हमारी सरकार है हमने कोशिश की है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बहुत मजबूत कीजिए। याद होगा आपको इसी देश की अर्थव्यवस्था के बारे में 2013 में पूरी दुनिया में एक ही गुहार होता था कि दुनिया की 5 जो सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था है, सबसे कमज़ोर इकोनॉमी है, वो जो है भारत, उसमें एक उस जो 5 लोगों में की सूची में भारत भी आता था। भारत में करप्शन बहुत था, भारत में स्कैम होते थे, तो लोग कहते थे बाहर दुनिया के अलग अलग देशों में कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ स्कैम्स एंड स्कैमस्टर्स रहते हैं, फ्रॉड एंड फ्रॉडस्टर्स रहते हैं, और यहाँ इसीलिए देश की अर्थव्यवस्था सबसे कमज़ोर 5 अर्थव्यवस्था में थी। हमारी पोजीशन उस वक्त 13 नंबर पे थी, लेकिन हमारे सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में जो हमारी सरकार 2014 से चली, उन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के आंकड़े होते हैं जिसमें आपको अर्थव्यवस्था को जांचने के परखने के जिस आंकड़ों से देखा जाता है उस पर बहुत कोशिश की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। मजबूत देश को एक ऐसा संकल्प लिया कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना है और देश को आगे बढ़ाना है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। आज आप देखिए देश की अर्थव्यवस्था जो है बहुत मजबूत है और देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि दुनिया की 5 जो मजबूत इकॉनमी उसमें 5वें दर्जे पर आज भारत है। ये अपने आप में बहुत गौरवान्वित वाली बात है हर देशवासियों के लिए कि हम आज 5वें स्थान में, ब्रिटेन को जो देश हम पे राज किया था उसको हमने पीछे छोड़ दिया है और हम तेज़ी से उस जो विकास की पटरी पे जो हमारा मूल मंत्र है हमारी सरकार का उस पे पटरी पे नहीं बल्कि पटरी पे तेज़ी से दौड़ रहे हैं। चाहे आप किसी तरह से देखिए इसको आंकने की कोशिश कीजिए, चाहे आप